बुलडोजर है तो अपराधियों में डर है। अपराध को मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर मॉडल में क्या कुछ नया कदम उठाया। देश भर के सीएम इस मॉडल के मुरीद हो गए। जी हां, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक अपराध पर बुलडोजर बेधड़क दौड़ रहा है और दोनों ही राज्यों में हाल ही में जो सरकार बदली, दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। अब राजस्थान की कमान भजन लाल के हाथ में है और मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव संभाल रहे हैं। अब आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल दो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर। हाल ही में कैसे शाजापुर में जमकर पथराव हुआ था और कैसे जो असामाजिक तत्व थे, अब वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सबसे पहले बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मामा के बाद अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर जमकर दौड़ रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कीर्तन यात्रा पर पथराव हुआ और अब जिन आरोपियों ने, जिन असामाजिक तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उन्हें चिन्हित करते हुए अब उनकी अवैध संपत्ति पर कैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। आरोपी रहीम पटेल के मकान पर बुलडोजर चला है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपी रहीम पटेल के मकान को 15 फीट तक तोड़ा गया है। बताते चले कि शाजापुर में राम श्याम कीर्तन यात्रा पर मोती मस्जिद के पास में जमकर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। हिंदू संगठनों में इस घटना के बाद में काफी रोष था। अब ऐसे में अब आरोपी रहीम पटेल के घर पर पुलिस ने बुलडोजर एक्शन चलाया है। ये 6 तस्वीरें आप देखते चलिए। राम श्याम यात्रा पर जब पथराव किया गया तो कैसे यहां पर भगदड़ मच गई थी। उसके बाद आरोपी रहीम पटेल के घर पर एक्शन हुआ है। जो मकान का करीब 15 फीट का हिस्सा जो अवैध तरीके से बनाया गया था, उसे तोड़ दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। वहां पर अधिकारियों की मौजूदगी आप देख रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं मौके का। मेरे साथी मकरंद काले समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और राजस्थान का भी रुक करेंगे। भंवर पुष्पेंद्र भी हमारे साथ में है, लेकिन सबसे पहले मकरंद का रुक करते हुए। मकरंद, हाल ही में शाजापुर में जमकर उत्पात मचा, जो तस्वीरें थी वो हमने देखा, नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई, लेकिन अब बुलडोजर वाला एक्शन यहाँ पर भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, और बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। हमने देखा कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं यूपी की तर्ज पर और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ भी शाजापुर में जब मोती मस्जिद के पास अक्षत कलश यात्रा जा रही थी और वहाँ के स्थानीय कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने इसे रोका, नारेबाजी की और इसके अलावा पथराव भी किया, और इसके बाद भारी पुलिस बल वहाँ पर 3 थानों का तैनात हो गया और इन 3 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाने की जरूरत पड़ गई। उसके बाद फ्लैग मार्च हुआ, हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई भी। इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। जो आरोपी है रहीम पटेल, उसके घर पर बुलडोजर चला है और 15 फीट तक घर को जो है वो जो अतिक्रमण पाया गया है उसको हटाया गया है। तो जाहिर है कि बुलडोजर एक्शन का खौफ अपराधियों के मन में हो और उन जब तक कानूनी प्रक्रियाएं और सारी जो न्यायालयीन प्रक्रिया होती है तब तक बहुत अपराधी जो हैं वो अपने कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीकों से इस मामले को लंबा खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्शन देखने को मिलता है वो नगर निगम और जो स्थानीय प्रशासन है वो अतिक्रमण और दूसरे जो इनके अपराध हैं उनसे जोड़कर जो एक्शन तुरंत लिया जा सकता है, उस तुरंत एक्शन की अब कार्रवाई शुरू हो गई है। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि अपराधी का नाम सामने आते ही उससे जुड़ी हुई पृष्ठभूमि जो होती है या उसका अतिक्रमण होता है, अवैध त्वरित एक्शन, त्वरित कार्रवाई होती है। मकरंद, ये देखा जा सकता है कि जब कोई अपराधी अगर सामने आया उससे जुड़े हुए तमाम जो जांचें हैं सामने आती हैं और अब ये बुलडोजर के साथ में सीधे सीधे सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। माहौल बिगाड़ोगे तो संभल भी जाओ। फिलहाल जानकारी के लिए मकरंद आपका धन्यवाद। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन बुलडोजर एक्शन राजस्थान में भी नजर आता है। बुलडोजर वाली कार्रवाई कैसे राजस्थान में देखी गई बताती हूँ। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में महिला के हत्यारोपी पर सख्त एक्शन हुआ है। हत्या के आरोपी के अवैध कब्जे पर पुलिस ने कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया था उस पर देखिए कैसे बुलडोजर चला है। दरअसल 23 दिसंबर का ये पूरा मामला, जब आरोपी अनिल विश्नोई और उसका साथी साहिल चोरी के इरादे से घर में घुसा,
लेकिन जब उन्हें एक महिला चोरी से रोकती है, पहचान जाती है, तो इन दोनों ही आरोपियों ने इस महिला पर हमला किया और अंजू बिश्नोई नाम की महिला जिसकी मौत हो गई इस हमले में। पुलिस इस पूरे मामले में हत्या आरोपियों को धर दबोचती है और उसके बाद कैसे बुलडोजर एक्शन शुरू होता है उसकी चार तस्वीरें आपके सामने। बिलाड़ा थाना क्षेत्र में 23 दिसंबर को एक घटना हुई थी जिसमें एक पड़ोसी युवक और अपने साथी के साथ एक घर में घुसा और चोरी की नियत से उसने एक महिला का मर्डर कर दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विद इन 24 आवर्स दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया और इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में ये भी पाया गया कि ये व्यक्ति जो है अपराधी प्रवृत्ति का है और इसने कोई सरकारी जमीन पे अतिक्रमण भी कर रखा था। इसको लेकर प्रशासन भी जो है वो हरकत में आया और स्थानीय प्रशासन ने उस अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया, जिस क्रम में आज पुलिस इमदाद की मदद से उस अतिक्रमण को भी हटाया गया है। इसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से संयुक्त मैसेज ये है। तो हत्या के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, किस तरह से पूरी कार्रवाई की जा रही है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं राजस्थान का ही, जहां से हमारे साथी भंवर पुष्पेंद्र जुड़ रखे हैं। भंवर, जरा बताइए कि नई सरकार में भी कैसे अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और जोधपुर के इस मामले में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। देखिए, बीजेपी हमेशा अपराध को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार को घेरती रही थी कि राजस्थान अपराध में नंबर वन हो रहा है और उस समय उन्होंने कहा था कि हम अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसका एक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। जोधपुर के बिलाड़ा में जो घटना हुई उसमें एक महिला की हत्या कर दी गई, घर में घुसकर एक अनिल बिश्नोई और उसके साथी साहिल ने अंदर घुसकर हत्या की और दो बच्चों को भी चाकू से गोदा। तो ऐसे में इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि प्रशासन के साथ मिलकर के, जिला प्रशासन के साथ मिलकर के जो बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है उससे साफ हो जाता है कि भजनलाल सरकार अब बिल्कुल कोताही बरतने वाली नहीं है। उन्होंने जिस तरह की बात कही थी कि जो अपराध करेगा उसके साथ इस तरह की कार्रवाई होगी और यूपी का जो मॉडल है, जो यूपी सरकार का मॉडल है बुलडोजर मॉडल, वो राजस्थान में सक्रिय होता नजर आता है जिसकी तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अब ये स्पष्ट भी कर दिया गया है कि अगर इस तरह के कोई अपराध करता है और पकड़ने के बाद उसके खिलाफ तुरंत इस तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी जिसमें उसकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से भी नष्ट किया जाएगा। जी ठीक है, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से खासतौर से सीधे बता रहे हैं भंवर भी कि कैसे अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है, हत्या के आरोपियों पर सख्त एक्शन जारी है। जानकारी के लिए भंवर।